नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा नगर पालिका परिषद के लिए अपने प्रत्याशी के रूप में गौरव स्वरूप की धर्मपत्नी मीनाक्षी स्वरूप को प्रत्याशी घोषित करने के बाद स्वरूप परिवार में चल रही नोकझोंक खत्म हो गयी। जहाँ विधानसभा चुनाव के दौरान गठबंधन द्वारा सौरभ स्वरूप बंटी को टिकट देने से खफा गौरव स्वरूप और परिवार के सदस्यों के बीच मन मुटाव हो गया था, जो पूरी तरह खत्म हो चुका है। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन पर सदर विधानसभा से प्रत्याशी रहे सौरभ स्वरूप उर्फ बंटी ने भाजपा उर्फ बंटी भाजपा में शामिल हो गए। जहाँ उन्होंने गांधीनगर स्थित भाजपा कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। वहीं जिला अध्यक्ष विजय शुक्ला द्वारा उन्हें टोपी और पटका पहनाकर सम्मानित किया गया। इसी के साथ शंकर स्वरूप, अजय स्वरूप, अज्जू, माधव स्वरूप, आशुतोष स्वरूप, विकास स्वरूप, बप्पल, अनुस्वरूप सहित स्वरूप परिवार के सभी सदस्यों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। आपको बता दें, पिछले दो दशकों से स्वरूप परिवार समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ था, जहां सभी ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। इससे यह जाहिर किया जा रहा है कि अब मीनाक्षी स्वरूप को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। वहीं समाजवादी पार्टी छोड़कर सैकड़ों की संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, जिसमें शलभ गुप्ता, एडवोकेट जनार्दन विश्वकर्मा सहित अन्य कई नेतागण मौजूद रहे। आज भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नगर पालिका परिषद के लिए नामांकन में उत्तर प्रदेश सरकार के प्रभारी मंत्री माननीय सोमेंद्र तोमर जी, यहां उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय राज्य मंत्री माननीय संजीव बालियान जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री माननीय कपिल देव अग्रवाल जी, यहां भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व जिलाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, मंडलों के प्रभारी, भारतीय जनता पार्टी के आज यहाँ नामांकन सभा में, अब यहाँ से कुछ सीमित संख्या में, क्योंकि धारा 144 लगी है, हम लोग चलेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में बहुत बड़ी संख्या में, पार्टी परिवार में आज पार्टी को सदस्यता ली है। पार्टी कार्यालय पर सबको पटका पहनाकर यहाँ उनको भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल किया गया है। मैं उन सबका भारतीय जनता पार्टी में आने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बड़ी संख्या में मुख्य रूप से सौरभ भाई, अजय स्वरूप जी और शंकर स्वरूप जी, आशुतोष जी, सचिन शर्मा जी, अनेकों लोग बहुत बड़ी जो पूर्व सभा के प्रत्याशी हैं सौरभ भाई, ऐसे सब लोग बड़ी संख्या में, कई सौ लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में सदस्यता ली है। मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। पार्टी के अंदर चल रहा है उसको लेकर क्या कहते हैं? भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का मैं प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व और अपने पश्चिम क्षेत्र के माननीय अध्यक्ष जी का आभार व्यक्त करता हूं। पार्टी के द्वारा, नेतृत्व के द्वारा जो तय किया गया है, अपने जनपद के माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री माननीय संजीव बालियान जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री माननीय कपिल देव अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी लगातार स्क्रीनिंग कमेटी, जिले की, नगर की स्क्रीनिंग कमेटी और सब लोगों की, इन माननीय सांसद, विधायक, सब लोगों की सहमति के आधार पर प्रदेश नेतृत्व ने, पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, पार्टी के सब लोगों ने यहाँ, आपके भाई खुद विरोध कर रहे हैं, पार्टी का कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। हम भी प्रत्याशी थे, हमने भी टिकट मांगा है, हम प्रस्तावक हैं माननीय यहाँ मीनाक्षी गुप्ता जी के, हम जिलाध्यक्ष हैं, हम उनके साथ काम करें, पर्चा भरवाएंगे। जो नाराज हुए कोई नाराज नहीं, सबको मनाएंगे, सब हमारे दादा जो है उनके लिए, आज कई सौ लोग, बहुत सौ सबको मनाएंगे, सबके घर जाएंगे, सबको साथ लेकर आएंगे। धन्यवाद। नहीं, ऐसे कोई नहीं होने। वक्त हो चला है आप सविता लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर, तेज असर।